ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पारशिवनी शहर में मुख्य चौक से अतिक्रमण हटाया गया, जिस वजह से शहर में सन्नाटा छाया है। सड़क किनारे लगी छोटी मोटी दुकानें हटाए जाने से दुकानदारों पर भूखमरी की नौबत आई है। पारशिवनी शहर के शिवाजी चौक से तहसील के बीच सड़क किनारे नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिस वजह से शहर में सन्नाटा पसरा था। शिवाजी चौक से तहसील के बीच पारशिवनी शहर का मुख्य बाजार है। इस सड़क किनारे एन दिवाली के सामने अतिक्रमण हटाए जाने से छोटे मोटे दुकानदारों पर भूखमरी की नौबत आई है। पहले ही कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों को प्रशासन की मार झेलनी पड़ेगी। इन दुकानदारों के सामने परिवार के पालन पोषण करने का सवाल खड़ा हुआ है। कार्रवाई के दौरान पारशिवनी के तहसीलदार प्रशांत सांगड़े, नगर पंचायत मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी, पारशिवनी के पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिक्रमण हटाए जाने से दुकानदारों में काफी नाराजगी है। इथे काल जे अतिक्रमण झालेलं होतं पारशिवनीमध्ये, इथे सगळं म्हणजे बघत सरकार चालू आहे, जेणेकरून प्रभाग क्रमांक 12 आणि प्रभाग क्रमांक 17 जेव्हा पावसाळा जेव्हा चालू होते, ज्या लोकांना तिथे बाहेर निघण्यास आणि जाण्यास इतका प्रॉब्लेम राहते की लोक तिथं जाऊ जाणं येणं करू शकत नाही, तरीसुद्धा ह्या लोकांचं दुर्लक्ष नगरपंचायत हे 3 वर्षापासून बसलेली आहे। मुरुमासाठी यांना म्हणजे मुरुमाचे टेंडर होतात, मुरुम येतात, मुरुम चालले जातात, पैसे निघून जातात, पण आता हे जो मलमा आहे हा मलमासाठी शिव मॅडमला फोन केला असतात, त्यांनी फोन तर उचलले नाही, पण त्यांनी जे लक्ष जे दुर्लक्ष आहे त्यांचं 12 प्रभाग क्रमांक 17 आणि 12 त्यांनी लक्ष द्यावे। हे सगळं मी बघत चालू आहे पूर्ण नगरपंचायतमध्ये आणि त्वरित काहीतरी करायला पाहिजे,